दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत के अंदर लॉकडाउन लगने से टेलीकॉम सेक्टर पे ज्यादा यहाँ पे दबाव आ चुका है। सारी की सारी कंपनी एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन सभी को दोस्तों एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेक्ट्रम लेने की बात चल रही है। यहाँ तक की खास करके बात करें जियो की, बात करें एयरटेल की, तो सरकार पे दबाव बनाया जाता है कि जल्दी से जल्दी 4G स्पेक्ट्रम का एक्स्ट्रा सेल यहाँ पे, अर्ली सेल यहाँ पे स्टार्ट करें, जिससे हम नया स्पेक्ट्रम परचेस कर सके और हमारे 4G नेटवर्क को एक्सपांड कर सके। तो दोस्तों इस पे एक बड़ी खबर निकल के आई है, भारत सरकार दोस्तों ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का, दोस्तों 4 लाख करोड़ 4G स्पेक्ट्रम का सेल स्टार्ट करने वाले आने वाले महीने से दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद सारी की सारी कंपनी के 4G नेटवर्क्स और भी पावरफुल यहां पे बन सकेंगे। क्या है दोस्तों न्यूज़, किस तरह से भारत सरकार इसको एग्जीक्यूट करने वाली, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील फैंस। अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नोनील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नोनील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं लॉकडाउन के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि नेटवर्क की डिमांड बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कभी कभी तो दोस्तों नेटवर्क डाउन हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो नॉर्मल कैपेसिटी थी उससे डबल पे ये फिलहाल काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों नेटवर्क को बढ़ाना सबसे बड़ा सॉल्यूशन यहां पे, लेकिन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम चाहिए और अलग अलग लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों खास करके यहां पे जियो की बात करें, भारतीय एयरटेल की बात करें, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की तो फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है। जियो ने और एयरटेल ने दोस्तों भारत सरकार को फोर्स किया था कि जल्दी से जल्दी अर्ली 4G स्पेक्ट्रम यहां पे लेके आइए, फटाफट सेल लेके आइए, जिससे हम कुछ परचेस कर सकें और उसके बाद हमारे नेटवर्क को यहां पे एक्सपांड कर सके, जिससे लोगों को भी यहां पे फिलहाल जो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही हो फ्यूचर में ना आए। इसलिए दोस्तों भारत सरकार ने यहां पे डिसीजन लिया, यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पीडिंग अप द सेल ऑफ 4G स्पेक्ट्रम व्हिच इज वर्थ मोर देन 4 लाख करोड़। दोस्तों 4 लाख करोड़ का दोस्तों यहां पे 4G स्पेक्ट्रम सेल होगा, जिसको बहुत ही फास्ट तरीके से करा जाएगा। पहले बता दूं दोस्तों यहां पे कि गवर्नमेंट ने 5G का जो स्पेक्ट्रम का सेल होने वाला था इस साल में, उसको एक साल भगा दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया है 2021 के लिए दोस्तों, उसको एक्सटेंड कर दिया। लेकिन 5G के को छोड़ के दोस्तों 4G की बात चलने वाली। दोस्तों ऑक्शन ऑफ 4G एयरवेव्स दोस्तों रिपोर्टेड बाय आईटी टेलीकॉम के बारे में बताया जा रहा है कि यहां पे 4G स्पेक्ट्रम जो होगा दोस्तों ये आने वाले महीने में दोस्तों यहां पे हो सकता है इसकी बोली लग सकती है। कैबिनेट दोस्तों यहां पे फटाफट से अगले महीने में इसको मंजूरी दे सकती है, अप्रूवल दे सकती है। सिंस द टेलीकॉम इंडस्ट्री इज फेसिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, द ऑक्शन प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ 4G स्पेक्ट्रम विल हेल्प द गवर्नमेंट टू रिवाइव द सेक्टर। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर पे फाइनेंशियल बर्डन तो यहां पे है, लेकिन सरकार दोस्तों अगर ऑप्शन यहां पे 4G का लेके आती तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर होगी, उनको थोड़ी राहत यहां पे मिलेगी, टेलीकॉम सेक्टर फिर से बूम कर सकेगा। अब दोस्तों किस तरह से गवर्नमेंट जो है अर्ली 4G स्पेक्ट्रम सेल को यहां पे एग्जीक्यूट करने वाली, इसके बारे में बताया जा रहा है। गवर्नमेंट अनाउंस लॉकडाउन पीरियड के कोरोना वायरस के हिसाब से, आप जानते हैं कि पेंडेमिक हो चुका, उसके हिसाब से ज्यादातर लोग घर पे ही काम कर रहे, तो ज्यादा लोड यहां पे टेलीकॉम सेक्टर पे पड़ा हुआ है। अब दोस्तों यहां पे जियो जैसी कंपनी, एयरटेल जैसी कंपनी ने बोला था कि अर्ली 4G सेल यहां पे आना चाहिए, उसको गवर्नमेंट आने वाले एक महीने के अंदर यहां पे एग्जीक्यूट करने वाली है, और जिससे स्टेबल डेटा मिले लोगों को, वही सर्विस अच्छी मिले और यहां पे जो नंबर ऑफ पीपल बढ़ चुके हैं नेटवर्क के ऊपर, वो यहां पे आराम से कैटर की जाए। तो ये सारी की सारी डिमांड को कैटर करने के लिए गवर्नमेंट जो है दोस्तों यहां पे भारतीय एयरटेल रिलायंस की डिमांड के ऊपर यहां पे 4G स्पेक्ट्रम की सेल को यहां पे लेके आने वाली है। अब यहां पे दोस्तों किस तरह से किया जाएगा मैं बता दूं आपको कि गवर्नमेंट के लिए दोस्तों यहां पे कौन-कौन सी फ्रीक्वेंसी पे दोस्तों यहां पे गवर्नमेंट काम करने लिए, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू 5G स्पेक्ट्रम को 2021 के लिए यहां पे भेज दिया, लेकिन 3300 और 3600 मेगाहर्ट्ज का जो दोस्तों यहां पे स्पेक्ट्रम एयरवेव सी 5G के लिए, उसको यहां पे फिलहाल अभी ब्लॉक के ऑक्शन में रखा गया है, लेकिन वो 2021 में बात की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए तो 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 और 2300 मेगाहर्ट्ज से लेके 2500 मेगाहर्ट्ज जो है दोस्तों इसके अंदर 4G के लिए खास करके 700 और 800 मेगाहर्ट्ज दोस्तों यहां पे यूज किया जाएगा। लेकिन ये भी चीज बताई जा रही है कि 700 और 800 मेगाहर्ट्ज जो है 5G की अर्ली दोस्तों टेस्टिंग के लिए भी यहां पे कंपनी यूज कर सकेगी। इसका मतलब दोस्तों जो टेस्टिंग की बारे में बात चल रही थी यहां पे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और यहां पे जियो, वो 700 से 800 मेगाहर्ट्ज पे भी यहां पे 5G को टेस्ट यहां पे कर सकेगी फ्यूचर के अंदर। इकरा की दोस्तों रिपोर्ट बता रही है कि यहां पे अभी जो होगा दोस्तों गवर्नमेंट 2475 मेगाहर्ट्ज जो होगा स्पेक्ट्रम, उसको दोस्तों यहां पे देगी, टोटल बेचेगी, यहां पे बोली लगेगी, जिसकी टोटल वैल्यूएशन जो इकरा की तरफ से बताई जा रही है 4,35,00,000 करोड़, 4.5 लाख करोड़ का दोस्तों स्पेक्ट्रम होगा, 4.5 लाख करोड़ की दोस्तों यहां पे नीलामी लगेगी फेज बाय फेज में, 2475 मेगाहर्ट्ज दोस्तों टोटल यहां पे होगा। अब बताया जा रहा है दोस्तों गवर्नमेंट जो होगा जनरेट करेगी यहां पे 20,000 से लेके 25,000 करोड़ अपफ्रंट पेमेंट, जो पहले इनको मिलने वाला 20 से 25,000 करोड़ होगा, उसके साथ साथ दोस्तों स्पेक्ट्रम फाइनेंशियल स्पेक्ट्रम चार्जेस वगैरह जो होगा इनको 20,000 करोड़ समथिंग दोस्तों यहां पे रिसीव मिलेगा, लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस फलाना देखना अगर गिनते तो 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा और यहां पे सरकार को मिल सकता है। लेकिन 100 बात की एक बात है दोस्तों, भारत सरकार जो है ऑलमोस्ट 2475 मेगाहर्ट्ज की दोस्तों स्पेक्ट्रम की नीलामी लगाने वाली, जिसकी टोटल वैल्यूएशन बताई जा रही है ऑलमोस्ट 4,500 करोड़, 4.5
4 लाख करोड़ दोस्तों इसके हिसाब से गवर्नमेंट को तो पैसा मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो कंपनीज है खास करके जियो और एयरटेल जैसी कंपनी, उनको दोस्तों एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम परचेस करने का लाभ मिलेगा जल्दी से जल्दी, जिससे वो अपने नेटवर्क को बूस्ट कर सकेंगे और उन एरियाज में जहां पे नेटवर्क फिलहाल दोस्तों यहां पे काम नहीं कर रहा है, इंटरप्ट हो चुका है, उसको दोस्तों यहां पे बूस्ट कर सकेंगे फिर से। तो फिलहाल दोस्तों अगर आपको नेटवर्क नहीं आ रहे तो टेंशन मत करिए, आने वाले एक महीने के अंदर यहां पे फिर से 4G की सेल लगने वाली भारत सरकार की तरफ से, जहां पे जियो एयरटेल जैसी कंपनी भाग लेगी वहां पे स्पेक्ट्रम परचेस करके अपने नेटवर्क को और भी स्पीड से बूस्ट करने वाली है। ये वीडियो अच्छा लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, एक थम्स अप तो बनता ही, आपके भाई का चैनल है, वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसको नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।